पौराणिक मान्यता के अनुसार एक युग लाखों वर्षों का होता है, जैसे कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। कलयुग का प्रारंभ कब हुआ था, इस संबंध में मतभेद हैं। कहते हैं कि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद कलिकाल का प्रारंभ हुआ था, तो कुछ उनके स्वर्ग में सशरीर चले जाने के बाद कलिकाल के प्रारंभ की बात करते हैं। राजा परीक्षित से जुड़ी है कलयुग के प्रारंभ संबंधी घटना। कहते हैं कि कलयुग उनके मुकुट में छुपा हुआ था, उसने बाहर निकलकर राजा परीक्षित से जो वार्तालाप की उसका पुराणों में उल्लेख मिलता है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व को हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दी थी, तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3102 ईसा पूर्व कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। कलयुग संवत के विषय में सबसे प्राचीन संकेत आर्यभट्ट द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब वो 23 वर्ष के थे तब कलयुग के 3600 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, अर्थात वो 476 ईस्वी में उत्पन्न हुए। पश्चातकालीन ज्योतिष शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार कलयुग संवत के 3719 वर्षों के उपरांत शक संवत का आरंभ हुआ। मध्यकाल के भारतीय ज्योतिषियों ने माना है कि कलयुग एवं कल्प के प्रारंभ में सभी ग्रह सूर्य एवं चंद्र को मिलाकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रविवार के सूर्योदय के समय एक साथ एकत्र थे। अधिकतर विद्वानों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। इस मान से कलयुग का काल 4,36,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 5,122 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी हैं। वर्तमान में ये 28वें चतुर्युगी का कृतयुग बीत चुका है और ये कलयुग चल रहा है। ये कलयुग ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में श्वेत वराह नाम के कल्प में और वैवस्वत मनु के मनवंतर में चल रहा है। इसका प्रथम चरण ही चल रहा है अभी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, जिस समय सप्तर्षि मघा नक्षत्र में विचरण कर रहे थे तब कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की अर्थात मनुष्य की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। पुरानी कहानियों की माने तो जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंप कर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल गए, वो स्वयं बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देख कर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कौशल, स्वतंत्रता, कांति, निर्भीकता, कोमलता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां गया, बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को मारने लगा। इतने में राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे, जब उन्होंने ये सब देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग तू मेरे शरण में आ गया है, इसीलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण सिर्फ तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और वापस कभी मत लौट कर आना। राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ,
द्यूत, मद्यपान, परस्त्रीगमन और हिंसा, इन चार स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन चार स्थानों पर रह सकता है। आइए जानते हैं चारों युगों में धर्म अधर्म कैसा था। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 और पुण्य की मात्रा 100% थी। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% होती थी। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 11 फुट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 50% और पुण्य की मात्रा भी 50% ही थी। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 फुट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 75% जबकि पुण्य की मात्रा सिर्फ 25% ही होती है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या आप कलयुग के बाद सतयुग आएगा या फिर पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, आप अपनी जानकारी के अनुसार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तब तक के लिए जय शंकर।